कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको फिर से नेटवर्क डिवाइस के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा छठा वीडियो है नेटवर्क डिवाइस का। इससे पहले मैंने हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, इन सभी डिवाइस के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं उन वीडियो को। आज देखेंगे गेटवे क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब इसका यूज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सभी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ व्हाट इज़ गेटवे से। गेटवे इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये क्या करता है, दो अलग अलग तरह के नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? हमारा ये गेटवे। तो इससे आप ये भी बोल सकते हो कि गेटवे ना दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, जो अलग टाइप का भी हो सकता है और सेम टाइप का भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा अलग के लिए काम करता है। इट अलाउ अस टू सेंड एंड रिसीव डेटा थ्रू द इंटरनेट इवन इट इज़ लैन नेटवर्क। गेटवे हमें ये अलाउ करता है कि हम इंटरनेट के थ्रू कैसे अपने किसी भी डेटा को सेंड या फिर वहाँ से रिसीव कर सकते हैं, फिर चाहे हमारे पास लैन नेटवर्क ही क्यों ना हो। आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्विच डिवाइस है। आपको भी पता है स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है, लेकिन स्विच यहाँ पे ना गेटवे का काम कर रहा। मैं लिख देता हूँ, स्विच यहाँ पे गेटवे का काम कर रहा। तो अगर मान लीजिए ये मेरा लोकल नेटवर्क है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये जो स्विच से कनेक्टेड है, मान लीजिए मुझे अपने इस लोकल एरिया नेटवर्क में इस सिस्टम में कुछ डेटा चाहिए। तो अगर हमारे इस लोकल नेटवर्क के सिस्टम में वो डेटा है जो मुझे चाहिए, तो स्विच क्या करेगा, यहीं से मुझे डेटा प्रोवाइड करके दे देगा। लेकिन मुझे ऐसा डेटा चाहिए जो हमारे इस लोकल नेटवर्क में नहीं है, तब स्विच क्या करेगा, यहाँ पर गेटवे का काम करेगा। अब हमें ये डेटा स्विच के थ्रू सर्वर से मंगाना पड़ेगा। तो जिस तरह से हमारे घर का दरवाज़ा, हमारे घर का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, गेट होता है, उसी तरह यहाँ पे स्विच भी एक गेट है, ठीक है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। अगर हमें कुछ भी सर्वर से मंगाना है तो हम यहाँ आएंगे स्विच के पास, स्विच सर्वर से डेटा लाएगा और हमें देगा। तो ये जो सर्वर है ना, इसका एक अलग नेटवर्क है, ये गेटवे का सर्वर है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे इसे आप बोल सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क है, और ये हमारा लैन नेटवर्क है। दोनों अलग अलग नेटवर्क हुआ, और दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा, हमारा गेटवे। हमें कोई भी डेटा चाहिए सर्वर से, हम मंगा सकते हैं। तो गेटवे का तीन ही काम होता है, बिना गेटवे के आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर सकते, और इंटरनेट के थ्रू डेटा को सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे सर्वर से कुछ चाहिए तो मैं मंगा सकता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर गेटवे का सर्वर है, ये हमें दे देगा इसके थ्रू, और ये गेटवे का काम कर रहा। आपको याद क्या रखना है, इट ऑपरेट्स ऑल सेवन लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल में ना टोटल सेवन लेयर होता है, और उन सेवन लेयर्स को कौन ऑपरेट करता है, हमारा ये गेटवे, ठीक है। तो अभी चलो गेटवे का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताता हूँ आपको। तो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज देखो गेटवे नेटवर्क डिवाइस का, इट कनेक्ट्स टू नेटवर्क विच हैज़ डिफरेंट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, फिर चाहे उन नेटवर्क्स का अलग अलग प्रोटोकॉल ही क्यों ना हो। जैसे मैंने फिगर में बताया कि वैन था और एक लैन था, फिर भी कनेक्ट हो रहा था, और गेटवे का काम स्विच कर रहा था, तो बस ये दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर देता है। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इट ऑपरेट ऑल सेवन लेयर ऑफ प्रोटोकॉल। यहाँ पे OSI मॉडल होगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ओ लिखना है, SI मॉडल लिखना है। OSI मॉडल के पूरे सेवन लेयर को ये ऑपरेट करता है। थर्ड एडवांटेज क्या है, वी कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट विदाउट अ गेटवे। हम बिना गेटवे के इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम गेटवे के थ्रू ही इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड सम सिक्योरिटी। गेटवे हमें कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे ऑथेंटिकेशन का, अगर आपको कुछ एक्सेस करना है तो आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देना होगा, लेकिन ये आपके नेटवर्क को सिक्योरिटी नहीं देता, बस एक ऑथेंटिकेशन मांगता है, बस इतना ही। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, ख़रीदना मुश्किल है। सेकेंड क्या है, डेटा ट्रांसमिशन रेट इज़ स्लोअर, डेटा ट्रांसमिशन का रेट जो है काफ़ी स्लो होता है। थर्ड, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एज वेल एज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इसे मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है।
और ये कॉम्प्लेक्स भी होता है, अगर आपको इसे प्रॉपरली हैंडल करना है तो आपको एक इंसान हायर करना होगा जिसे गेटवे की पूरी नॉलेज हो, ठीक है। लास्ट डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ लेस इंटेलिजेंट, हमारा गेटवे ना लेस इंटेलिजेंट होता है, ये इंटेलिजेंट नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है गेटवे नेटवर्क डिवाइस क्या होता है, उसका यूज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।